हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एश एकेडमी। फ्रेंड्स, एम्स के सारे शिफ्ट के एग्ज़ाम अब ख़त्म हो चुके हैं, तो आई होप्स आप सभी के एग्ज़ाम अच्छे गए होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि एम्स का जो चारों शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर था वो कैसा था और आपके कितने मार्क्स पे एम्स में सिलेक्शन हो सकता है, यानी कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगा इस बार एम्स 2018 का। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, साथ ही साथ एम्स 2019 के जो एस्पिरेंट हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि ये वीडियो उनको भी हेल्पफुल होगा उनके फ्रेमवर्क बनाने में एम्स 2019 के प्रिपरेशन में। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं कि एम्स के सारे शिफ्ट में कैसे क्वेश्चन आए थे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं बायोलॉजी की। तो फ्रेंड्स, जहाँ तक मैंने बहुत सारे स्टूडेंट से फीडबैक लिया, उससे एक बात कॉमन पता चला कि जो सारे शिफ्ट में बायोलॉजी के क्वेश्चन आए थे वो काफ़ी इजी क्वेश्चन थे। जो 40 MCQ आए थे वो सारे NCERT से ही आए थे और इजी क्वेश्चन आए थे। तो अगर आपने NCERT अच्छे से पढ़ा होगा तो आप अप्रॉक्सीमेटली 38 क्वेश्चन ईजिली सॉल्व कर सकते थे। और फ्रेंड्स, एक बात और देखा गया था कि जो चारों शिफ्ट में क्वेश्चन आए थे उसमें बायोलॉजी में से 2 या 3 क्वेश्चन डायग्राम से आए थे, यानी कि यहाँ पे एम्स 2019 के एस्पिरेंट को एक बात ध्यान रखना है कि उनको NCERT के सारे डायग्राम्स को अच्छे से देखना है। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि केमिस्ट्री के क्वेश्चन कैसे थे। तो फ्रेंड्स, केमिस्ट्री के क्वेश्चन जो थे वो बायोलॉजी से स्लाइटली हार्ड थे और फिजिक्स से स्लाइटली ईजी थे, बट केमिस्ट्री के क्वेश्चन जो थे वो एकदम ईजी नहीं थे, बायोलॉजी जैसे ईजी नहीं थे, बट फिजिक्स जितने हार्ड भी नहीं थे, वो मॉडरेट लेवल के थे। केमिस्ट्री को आप ईजिली सॉल्व कर सकते थे। जो 40 MCQ आए थे उसमें से आप 30 क्वेश्चन तो सॉल्व कर ही सकते थे। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं फिजिक्स की, जो कि यहाँ पे मेन टॉपिक है। तो फ्रेंड्स, फिजिक्स के जो क्वेश्चन थे वो स्लाइटली हार्ड लेवल के थे, यानी कि जैसा कि आपने देखा था नीट में जो फिजिक्स थोड़ा लेंदी एंड हार्ड था, सेम इसमें भी ट्रेंड फॉलो किया गया था। वो फिजिक्स का जो पेपर था वो हार्ड एंड लेंदी था। आपको यहाँ पे ऑन स्क्रीन कैलकुलेटर भी दिया गया था, इसलिए आपको कैलकुलेशन तो ईजी हो गया होगा, लेकिन क्वेश्चन कुछ डिफ़िकल्ट लेवल के थे, तो वो इनको सॉल्व करने में बहुत लोगों को बहुत सारा प्रॉब्लम आया था। फिर भी अगर आपने अच्छे से पढ़ाई किया होगा तो अप्रॉक्सीमेटली 25 क्वेश्चन तो सॉल्व कर ही सकते थे। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि तीनों सब्जेक्ट के असर्शन रीजन कैसे थे, यानी कि 20, 20, 20 तीनों फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में असर्शन रीजन आए थे वो कैसे थे। तो फ्रेंड्स, जहाँ तक मैंने सारे स्टूडेंट से फीडबैक लिया उससे पता चला कि जो असर्शन रीजन थे वो काफ़ी इजी थे। असर्शन रीजन किसी भी सब्जेक्ट के हार्ड नहीं थे, वो इजी थे, आप उसको ईजिली कर सकते थे। और फ्रेंड्स, एक चीज़ और देखा गया कि जो जीके और एप्टीट्यूड के क्वेश्चन आते हैं, इस बार जीके के क्वेश्चन कम थे और एप्टीट्यूड के क्वेश्चन ज़्यादा थे। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि एप्टीट्यूड का प्रैक्टिस आपको करना है। अगर आप एम्स 2019 में अपीयर हो रहे हैं तो आपको एप्टीट्यूड ज़्यादा करने हैं और जीके भी आपको देखते रहना है। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि एम्स का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगा इस बार। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे 2 तरह के कट ऑफ होते हैं। एक कट ऑफ तो वो जिससे आप एलिजिबल हो जाएंगे काउंसलिंग में अपीयर होने के लिए, और एक कट ऑफ वो है जिससे आप सेफ़ हो जाएंगे कि आपको कंफर्म हो जाएगा आपको कॉलेज मिलेगा ही मिलेगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जिस कट ऑफ से आप एलिजिबल हो जाएंगे काउंसलिंग के लिए। तो अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो आपको सबसे पहले तो 50% मार्क्स स्कोर करना ही होगा, जिससे आप एलिजिबल हो जाएंगे काउंसलिंग के लिए। यानी कि अगर 200 मार्क्स का एग्ज़ाम हुआ था तो आपको 100 मार्क्स करना ही करना है, तभी आप एलिजिबल होंगे काउंसलिंग के लिए। और अगर आप OBC के हैं तो आपको 45% मार्क्स स्कोर करना है, जिससे आप एलिजिबल हो जाएंगे काउंसलिंग, यानी कि आपको 90 मार्क्स स्कोर करना है। अब बात करते हैं SC/ST की। तो फ्रेंड्स, SC/ST के लिए 40% मार्क्स आपको स्कोर करना ही होगा, ताकि आप उसके बाद एलिजिबल हो जाएंगे काउंसलिंग के लिए, यानी कि आपको 80 मार्क्स करना है। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में, जिसके बाद आप एक सेफर साइड में हो जाए, उसके बाद आपको कंफर्म एम्स मिल जाए। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं एम्स में इस साल कुछ सीट्स भी इंक्रीज हुए हैं और इस साल का पेपर जो था वो भी स्लाइटली हार्ड था, इसलिए चांसेज है कि इस साल का कट ऑफ जो है वो नीचे गिरेगा। तो फ्रेंड्स, इन्हीं सब चीज़ों को देखकर मैं अपना एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, सारे कैटेगरी में हम लोग कट ऑफ को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला पार्ट तो होगा वो जिसके बाद आपको एम्स डेली कंफर्म मिल जाए, और दूसरा पार्ट वो होगा जिसके बाद आपको कोई भी एम्स कंफर्म मिल जाए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं जनरल कैटेगरी की। तो फ्रेंड्स, जनरल कैटेगरी के लिए एम्स दिल्ली के लिए आपको अप्रॉक्सीमेटली 140+ मार्क्स स्कोर करना है, और अगर आपको कोई भी एम्स चलेगा तो आपको 125+ मार्क्स स्कोर करना है। अब बात करते हैं OBC कैटेगरी की। तो OBC कैटेगरी में अगर आपको एम्स दिल्ली जाना है तो एम्स दिल्ली के लिए अप्रॉक्सीमेटली आपको 125+ स्कोर करना है, और अगर आपको कोई भी एम्स चलेगा तो आपको 110+ स्कोर करना है। अब बात करते हैं SC/ST कैटेगरी की। SC/ST कैटेगरी की बात करें एम्स दिल्ली के लिए तो एम्स दिल्ली के लिए आपको अप्रॉक्सीमेटली 115+ मार्क्स चाहिए और अगर आपको कोई भी एम्स चाहिए तो आपको उसके लिए 90+ मार्क्स चाहिए। तो फ्रेंड्स यही था मेरा एक्सपेक्टेशन कट ऑफ को लेकर एम्स 2018 का। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को सभी के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी एम्स 2018 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ में पता चल जाए और एम्स 2019 के एस्पिरेंट्स के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी हेल्प हो जाए अपना फ्रेमवर्क सेट करने में एम्स 2019 के लिए। और फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो बस फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।